हरियाणा एसएससी ने एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2019 के लिए एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कनाल पटवारी की वैकेंसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखिए, कनाल पटवारी की पोस्ट पहले भी एडवर्टाइज की गई थी, लेकिन बाद में उसे कैंसिल कर दिया गया था और अब उसे री एडवर्टाइज किया गया है। तो जो कैंडिडेट पहले अप्लाई कर चुके थे, उन्हें अब क्या करना है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस नोटिस में दी गई है। और इस वीडियो में मैं आपको कनाल पटवारी के अलावा ग्राम सचिव से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। इस नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं। देखिए, जो कैंडिडेट पहले अप्लाई कर चुके थे, उन्हें अब दोबारा से अप्लाई करना होगा, लेकिन उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी फीस का प्रूफ साथ में अटैच करना होगा और साथ साथ उन्हें एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। आगे देखते हैं। देखिए, पहले जब ये वैकेंसी निकाली गई थी तो उसकी क्वालिफिकेशन थी +2 और अब क्वालिफिकेशन रखी गई है ग्रेजुएशन। तो जो कैंडिडेट अब क्वालिफिकेशन को पूरी नहीं कर पा रहे हैं और उन्होंने पहले अप्लाई किया था, तो उनकी फीस अब रिफंड कर दी जाएगी और इसके लिए जल्द ही एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अब देखते हैं कि ग्राम सचिव के लिए क्या कहा गया है। देखिए, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 9/2019 है, ये एडवर्टाइजमेंट ग्राम सचिव की है। इसमें देखते हैं कि जो कैंडिडेट पहले अप्लाई कर चुके थे उनके लिए क्या कहा गया है। देखिए, इसमें भी एग्जैक्टली सेम कहा गया है जो कनाल पटवारी के लिए कहा गया है। जो कैंडिडेट पहले अप्लाई कर चुके थे उन्हें दोबारा से अप्लाई करना है, उन्हें एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी, लेकिन उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। देखिए, इस पोस्ट के लिए भी पहले क्वालिफिकेशन थी +2, अब ग्रेजुएशन कर दी गई है। तो जो कैंडिडेट अब क्वालिफिकेशन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और उन्होंने पहले अप्लाई किया था, उनकी फीस रिफंड कर दी जाएगी और इसके लिए नोटिफिकेशन जल्दी जारी किया जाएगा।